अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं अखलाक अहमद सालिक। शामिल करेंगे हेडलाइंस। वाइस सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद का कसूर का दौरा, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल बराए मुतासर समाज की तज़ईन और आयश के काम का इफ्तिताह किया। साइमा सईद कहती हैं, स्पेशल बच्चों की तालीम और तरबियत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए कोशिशें हैं। डीपीओ पारा फैसल गुलजार की महकमाना कार्रवाई, तीन पुलिस अफसरान को बर्खास्त कर दिया। सब इंस्पेक्टर अंजुम जिया, एसएचओ थाना ए डिवीजन तायुनात। फैसल गुलजार कहते हैं कि पुलिस की बदनामी का बायस बनने वाले अहलकारों के महकमा में कोई जगह नहीं, करप्ट अहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मियाँ वाली अफसरान अवामी मसाइल और शिकायत के बर वक्त हल को यकीनी बनाए। कन्वीनर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी अमजद अली खान कहते हैं, फराइज में गफलत और इदारों में करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान को परिंदों के गैर कानूनी शिकार, खादों के ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की भी हिदायत। अथॉरिटी समाज की कार्रवाई, बेकरी मसनुआत में गंदे अंडों के इस्तेमाल का नेटवर्क पकड़ा गया। मुतरे सेहत खुराक की अशिया तैयार करने और सफाई के नाकस इंतजामात पर बेकरी सील मालिक गिरफ्तार। डिप्टी डायरेक्टर असद कासिम कहते हैं कि आवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डूंगा बूंगा के इलाके में दो ग्रुपों में तसादम, मुखालफिन की जानब से कुल्हाड़ियों के आजादाना इस्तेमाल। दरीना रंजिश पर नौजवान कत्ल, दो जख्मी तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुल्जमान फरार होने में कामयाब हो गए। नाज की शनाख्त अब्दुल खालिक के नाम से हुई। जख्मियों में अब्दुल मालिक और अमानत अली शामिल हैं। पी में ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के हवाले से रोड सेफ्टी सेमिनार। डीपीएसपी मोटरवे साइरा तारक कहती हैं कि हादसा से बचाओ और जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए ड्राइवर हजरात ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल करें। धुंध के पेश नजर गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज में आपको बताएं, फूड अथॉरिटी सवाद की कार्रवाई, बेकरी मसनूआत में गंदे अंडों के इस्तेमाल का नेटवर्क पकड़ा गया। डिप्टी डायरेक्टर असद कासिम के जरिए निगरानी, फूड अथॉरिटी की टीम ने खुफिया इतला पर तहसील बाबजोई के इलाके में कंबर में कायम एक बेकरी यूनिट पर छापा मारा, जहां खराब अंडे बेकरी मसनूआत की तैयारी में इस्तेमाल किए जा रहे थे। फूड अथॉरिटी ने मुजरे सेहत अशिया बनाने और सफाई के नाकस इंतजाम पर बेकरी को सील कर दिया। मालिक के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज किया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर असद कासिम का कहना है कि फूड अथॉरिटी की टीमें नाकस खुराक की अशिया के खिलाफ सवाद की तमाम तहसीलों में मुकम्मल फाल हैं। इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब साइमा सईद का कसूर का दौरा। साइमा सईद ने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल बराए मुतासरा समाज की तज़ईन और आराइश के काम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी बच्चों ने टेबलोस पेश किए, जिनको हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई सेक्रेटरी साइमा सईद ने कहा कि पंजाब हुकूमत स्पेशल बच्चों की तालीम तरबियत को जदीद खतूत पर इस्तवाल करने के लिए कोशिश है, जिसके लिए मौजूदा तमाम वसाइल को बरोए लाते हुए बच्चों को पेशावराना अलूम और महारतें भी सिखाई जा रही हैं, ताकि आने वाले दिनों में खुसूसी बच्चे मुल्क और कौम की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर डेवलपमेंट मियां जाहिद मजीद, डीओ स्पेशल एजुकेशन ताहिर हुसैन गाजी, जिले फोकल पर्सन नसीर इकबाल संधू, पर्सनल डायरेक्टर लतीफ अहमद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कैसर अयूब शेख, असातिज़ा, तलबा और तालिबात, वालिदैन और दीगर ने भी शिरकत की। आगे खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में एडिशनल डेप्टी कमिश्नर अलीफ पिशावर अवाम की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहरक है। मोहम्मद इमरान खान ने अपने दफ्तर से असलाह लाइसेंस, डोमिसाइल इंतकाल, रजिस्ट्री और फर्द मलकियत वसूल करने वालों से टेलीफोनिक राबता किया। उन्होंने साइलिन से स्टाफ और सर्विस की फराहमी से मुतालिक दरियाफ्त भी किया। एडिशनल डेप्टी कमिश्नर अलीफ ने मजीद कहा, क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं।
डोंगा बोंगा के इलाका बस्ती मुराद खरल में दो ग्रुपों में तसादों में एक नौजवान जाबहक दो अफराद जख्मी हुए। दरीना रंजिश के बिना पर मुखालफी ने कुल्हाड़ियों के वार से नौजवान की मौत के घाट उतार दिया, जबकि दो जख्मियों को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश के शनाख्त अब्दुल खालिक के नाम से हुई, जख्मियों में अब्दुल मालिक और अमानत शामिल है। मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मुकामी पुलिस ने जाय वकूअ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मनुष्यात के खिलाफ मुश्तरक कार्रवाई ऑपरेशन के दौरान शमाली बहरा अरब में 6 गैर मुल्कियों समेत 7 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्ती से 460 किलोग्राम मनुष्यात बरामद कर ली गई। तफसीलात कराची से काशिफ ठोकर की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मनुष्यात के खिलाफ मुश्तरक कार्रवाई पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुश्तरक इंटेलिजेंस पर मबनी काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन में मनुष्यात के स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान शुमाली बहरा अरब में 6 गैर मुल्कियों समेत 7 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक कश्ती जिसमें किसी भी मुल्क की मिल्कियत नहीं थी, जिससे 460 किलोग्राम मनुष्यात बरामद कर ली गई है। बैन अल-अक़वामी मार्केट में मनुष्यात की मालियत 4.4 अरब रुपए है। पकड़ी गई मनुष्यात के स्मगलर समेत मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया है, जिसमें फर्द या ग्रुप के दीगर रियासत मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने की तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की तकमील शामिल है। कैमरा टीम के साथ काशिफ खोकर। आपको बताएं कि कोहिनूर न्यूज की खबर पर टाउन इंतजामिया हरकत में आ गई। सजावल शहर में सफाई का काम शुरू कर दिया गया। शहर में सफाई के नाकस इंतजाम के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए थे, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। शहर में सफाई का काम शुरू होते ही शहरियों ने सुख का सांस लिया और कोहिनूर न्यूज का खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कोहिनूर न्यूज हमेशा आवाम की आवाज बना और मुस्बत किरदार अदा किया। यहां पर आपको बताएं कि मामूली तरफ कलामी पर कैलेंडर की गलती टोटा कॉलेज के सीनियर हेडमैन अखलाक अहमद की जान ले गया। हेडमैन टोटा अखलाक शोखोपरा से वापस मानावाला आ रहे थे कि कैलेंडर के कलेक्टर ने कॉलेज के सामने उतारने का कहने पर झगड़ा हो गया। तैश में आकर कलेक्टर ने अखलाक अहमद को चलती गाड़ी से धक्का दे दिया। अपना तवाज़ुन बरकरार रखते हुए हेडमैन अखलाक अहमद गाड़ी के नीचे आकर मौके पर जान की बाजी हार गए, जिस पर कॉलेज के तालिबा ने नाज सड़क पर रखकर एहतजाज करते हुए ननकाना बाईपास को ब्लॉक कर दिया। इस मौके पर ASI राना क्यूम ने मुजाहिरीन से मुजाकरात करते हुए एहतजाज खत्म करवाया और रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। यहां आपको बताएं कि हरिपुर इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम के ऑफिसर्स अदनान इस्फहानी और फारूक का GT रोड तरबेला रोड पर क्रैकडाउन, जाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब आवेजा किए गए तमाम पेनाफ्लेक्स और पोस्टर्स उतार दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर में बलदियाती नुमाइंदगान की जानिब से तशरी मुहिम के दौरान खिलाफ वर्जियां उरूज पर। बलदियाती इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन के जाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन अफिसर अदनान इस्फहानी और मॉनिटरिंग अफिसर फारूक का पुलिस नफरी और TMA एहलकारों के हमरा बड़ा क्रैक डाउन। जाब्ते अखलाक के मुनाफी आवाजा किए गए पैरा फ्लैग और पोस्टर उतार कर कब्जे में ले लिए। इसी हवाले से अदनान इस्फहानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मॉनिटरिंग के टाइम हमें ये देखने को आया है कि सबसे ज़्यादा वायलेशन जो हैं वो पेनाफ्लेक्स के हवाले से हो रही, तो इस मीडिया के वसातत से हम ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनके वर्कर्स को, कैंडिडेट्स को ये बताना चाहते हैं कि पेनाफ्लेक्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है उसका रूल 24 जो है ना वो ये बताता है कि तमाम पेनाफ्लेक्स जो है ना उनकी इजाज़त नहीं है और ये इन पे बैन है। अगर इनकी खिलाफ वर्जी होती है तो 50,000 रुपये जुर्माना उन कैंडिडेट के ऊपर, और बार बार अगर इसी तरह की वायलेशंस अगर हमारे नज़र में आती है तो हम जो है ना कैंडिडेचर उनका कंसल्ट करने की भी सिफारिशात भेज सकते हैं। तो इस हवाले से हम मीडिया के वसातत से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ना पेनाफ्लेक्स आप छपवाएँ ना इनको लगाएँ। और दूसरी बात, अदनान शाह का मजीद कहना था कि बलदियाती नुमाइंदगान और उनके सपोर्टर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा जाब्ते अखलाकी पास जारी करें, बसूरत दीगर बार बार खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब रुख करेंगे ओकाडा का, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाडा फैसल गुजार की महकमाना कार्रवाई 3 पुलिस अफसरान को फारिग कर दिया। कहते हैं पुलिस की बदनामी का बायस बनने वाले अहलकारों के महकमा में कोई जगह नहीं है, करप्ट अहलकार किसी रायत के मुस्तक भी नहीं है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक DPO की जानब से पुलिस अफसरान को सख्त सजाएं, जबकि 3 अफसरान
डिसमिस कर दिए गए। डीपीओ फैसल गुलजार ने मुलजमान की पुष्ट पनाही करने पर एसएचओ राणा काशिफ को इंक्वायरी के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मंशियात के मुकदमा में दौरान शहादत मुलजिम को फायदा पहुंचाने पर कांस्टेबल सजाद अहमद नौकरी से फारिग, जबकि शराब के नशे में गप्पा करने वाले इरशाद नामी कांस्टेबल को भी डिसमिस कर दिया गया। इसके अलावा डीपीओ फैसल गुजार ने सब इंस्पेक्टर अंजम जिया को एसएचओ थाना एडीवीएन तैनात करते हुए फौरी तौर पर चार्ज संभालने का हुक्म भी दिया। लकी मरवत के तहसील सराय नूरंग में मारूफ कारोबारी शख्सियात इकरामुल्ला जरगर और वकास जरगर समेत दर्जनों अफराद ने अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तफसीलात शरीफुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। तहसील सराय नवरंग के मरूफ कारोबारी शख्सियत इकरामुल्ला जरगर और वकास जरगर ने अपने खानदान और हामियों समेत अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस सिलसिले में यहाँ एक तकरीब नकद हुई जिसमें साबका खतून मेंबर सूबाई असम्बली यस्मीन जिया मरवत, एएनपी की जिली सदर मलक अली सरवर खान, एएनपी तहसील नवरंग चेयरमैनशिप के उम्मीदवार मलक रियाज खान और खटक बिरादरी के मशर गुल नईम खान खटक समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि एएनपी आवाम की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि ये जमहूरी और अवामी खिदमत पर यकीन रखने वाली जुमात हैं। एएनपी वाहिद पार्टी हैं जो सूबे के तमाम अजला के बिला तफरीक तरक्की चाहती हैं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि 19 दिसंबर को लकी मरवत की तीनों तहसीलों की नशस्तों पर एएनपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह कोहनूर, न्यूज लकी मरवत। और अब रुख करेंगे नवाबों के शहर बहावलपुर का, जहां डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन रेस्क्यू 1122 बहावलपुर की माह नवंबर की कारगर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 5,757 एमरजेंसीज में से अवामी खिदमात सर अंजाम दी। तफसीलात बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में देखते हैं। बाकर हुसैन डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर पंजाब एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 बहावलपुर ने गुजशत माह नवंबर 2021 में रेस्क्यू 1122 की कारगर्दगी बताते हुए कहा कि बहावलपुर कंट्रोल रूम ने नवंबर में 82,670 मून कॉल मशगूल की, जिनमें से 5,757 कॉल एमरजेंसी से मुतलक थी। उन पर जाए कुए पर पहुंचने का औसत टाइम 7 मिनट रहा। इसका एमरजेंसी अफिसर बाकर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बहावलपुर में नवंबर के मंथ में टोटल जो एमरजेंसी कॉल रिसीव की हैं वो 5,700 के करीब थी, और इसमें से जो हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे वो 1200 के करीब थे, और रिमेनिंग जो हमारे पास 3900 के करीब एमरजेंसी कॉल हैं वो मेडिकल एमरजेंसीज थी। इसके साथ साथ जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, बल्कि आ चुका है, इसके में बहुत ज़्यादा फायर इंसिडेंट होते हैं जिसके वो 39 के करीब हमने डील किए हैं, और साथ साथ जो हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम रहा वो 7 मिनट्स रहा, और जो लास्ट मंथ में मैंने डेड पेशेंट जो मुख्तलिफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या मेडिकल में हमें रिसीव हुए वो तकरीबन 189 के करीब थे, और इसके साथ हमने 700 के करीब जो हमने पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस में पेशेंट जो शिफ्ट किए हैं लोअर हेल्थ फैसिलिटी से हायर हेल्थ फैसिलिटी की तरफ। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इशू आजकल आ रहा है वो फोग का सीज़न, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि जब भी आप सफ़र पर निकलें तो वेदर कंडीशन को कन्फर्म करके निकलें, और कोशिश करें कि फोग में आप घर से ना निकलें, और जब मौसम क्लियर हो देन आप ड्राइव करें, ताकि आपकी जानों का भी बच सकें और लोगों की जानों को भी हम बचा सकें। आईजी मोटरवे पुलिस इनाम गनी के अहकाम पर पतोकी में मोटरवे पुलिस आवर शुगर मिल्स इंतजामिया के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के हवाले से आगाही दी गई। सेमिनार में डीएसपी मोटरवे सारा तारिक, जीएम शुगर मिल्स जावेद इकबाल काहलू समेत ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर्स ने भी भरपूर शिरकत की। सेमिनार के शुरका से खिताब करते हुए डीएसपी मोटरवे पुलिस ने कहा कि गन्ना क्रशिंग के सीजन में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर ज्यादा गन्ना लोड करने से हादसात में इजाफा हो जाता है, जो कीमती जानों का ज़िया का बाइस भी बनते हैं। हादसात से बचाव और जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए ड्राइवर हजरात ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद करें, धुंध के पेश नजर गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। उधर मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्द हुआ, जिसमें मेंबर पंजाब असेंबली अमीनुल्लाह खान, डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद और वफाकी सूबाई महकमों के जिले और बल्दियाती इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जिले तरक्याती प्रोग्राम में पेशरफ्त का भी तफसीली जायजा लिया गया। कन्वीनर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी अमजद अली खान ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, फराइज में गफलत और इदारों में करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान अवामी मसायल और शिकायत के बर वक्त हल को यकीनी बनाएं। परिंदों के गैर कानूनी शिकार, खादों के ओवरचार्जिंग, मादनियात सर्विसेज चार्जेस की इजाफी वसूली, तजावजात और एहसास कफालत प्रोग्राम में बायोमेट्रिक से मुतालिका मसाइल के हल के लिए
मुतलका अफसान बिला इम्तियाज क्रैकडाउन की हदायत भी की। स्कूल टीचर्स और बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की रुकी हुई तनख्वाहों की फौरी अदायगी का हुक्म भी दिया। दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान की जानब से मानसहरा कॉमर्स कॉलेज में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें HOD मैनेजमेंट साइंसेज प्रोफेसर फयाज सईद, प्रोफेसर मोहम्मद तारिक और दीगर मेहमान ने खुसूसी थे। तफसीलात उबैदुल्ला तनोली की इस रिपोर्ट में। दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान की मानसहरा कॉमर्स कॉलेज में कामयाब कन्वेंशन, जिसमें मेहमान खसूसी HOD मैनेजमेंट साइंसेज प्रोफेसर फयाज सईद, प्रोफेसर मोहम्मद तारक, रिदा खान, दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर तारक सागर के वालिद मोहतरम नूर रहमान और चीफ गेस्ट चेयरमैन ज़कवात कमेटी डिस्ट्रिक्ट मानसहरा मलिक जबरान अली ने शिरकत की। दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन जो कि थैलेसीमिया और खून की जरूरतमंद तमाम मरीजों के लिए मानसहरा समेत पूरे हजारा डिवीजन में खून के एहतियात के लिए 3 साल से काम कर रही है, जिसमें चीफ गेस्ट और मेहमान खसूसी ने खताब किया और मानसहरा टीम दर्द इंसानियत को कामयाब कन्वेंशन करवाने पर खराज तहसीन पेश किया। दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर तारक सागर ने कहा कि आज की कन्वेंशन 3 साल की अचीवमेंट है और अगले साल हमारे इदारे की तरफ से मानसहरा में थैलेसीमिया सेंटर और खून के एहतियात के लिए सेंटर कायम किया जाएगा, जिसमें हमारे सेंटर से खून की जरूरतमंद तमाम मरीजों को बिला मुआवजा एक काल पर खून अतिया किया जाएगा। प्रोग्राम के आखिर में दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम शहरों की काबीना तश्कील दी गई, जिसमें मानसहरा, एबटाबाद, हवेलियाँ, हरिपुर यूनिवर्सिटी, एबटाबाद यूनिवर्सिटी, हजारा यूनिवर्सिटी, बालाकोट, कोहस्तान, जेहलम और कराची की काबीना बनाई गई और तमाम टीमों के दौरान की अनाउंसमेंट की गई, जिसमें एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अरसलान तनोली, हवेलियाँ के जुनेद तनोली, हरिपुर डिस्ट्रिक्ट के मेहताब अली, एबटाबाद यूनिवर्सिटी से अमाद खान जदून, हरिपुर यूनिवर्सिटी से जैदुल्ला जमील, जेहलम के तलहा शबीर, मानसहरा के शहबाज मंजूर, बालाकोट के हबीब अहमद, हजारा यूनिवर्सिटी के मनीब अवान, कोहस्तान के समील हक और हजारा डिवीज़न के कोआर्डीटर जवाद खान जदून, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कोआर्डीटर मोहसिन खान तनोली और KPK के डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग उमर सदीक को बनाया गया और टीम मानसहरा की तरफ से तारक सागर को फाउंडर का शील्ड पेश किया गया। अलखिदमत फाउंडेशन टंडुजाम की जानब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मस्जिद आबदा तामीर की गई, जिसके इफ्तिताह ज़ियाउल हक चौहान, अलखिदमत फाउंडेशन जिला हैदराबाद के सदर डॉक्टर सैफुररहमान, जमात इस्लामी जिला हैदराबाद के अमीर अकील अहमद खान, कॉलेज के प्रिंसिपल सलीमुल्ला बचायो और नाहियो ने किया। तफसीलात जुनेद अली भट्टी की इस रिपोर्ट में देखिए। अलखिदमत फाउंडेशन टंडो जाम की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंडो जाम में असातिज़ा व तालबात व इलाके की अवाम को नमाज की सहूलत फराम करने के लिए कॉलेज में मस्जिद आबदा तामीर की गई, जिसका इफ्तिताह ज़ियाउल हक चौहान, अलखिदमत फाउंडेशन जिले हैदराबाद के सदर डॉक्टर सैफुर रहमान, जमायत इस्लामी जिले हैदराबाद के अमीर अकील अहमद खान, कॉलेज के प्रिंसिपल सलीम अल्लाह बचायो नायो ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाने का बहुत बड़ा सवाब है, ऐसी नेकी के काम में हर शख्स को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के घर की तामीर वो लोग करते हैं जो अल्लाह ताला के खैर ख्वाह होते हैं और दीन के लिए काम करते हैं। ज़ियाउल हक चौहान साहब, ज़ियाउल हक चौहान साहब ने उनकी मावनत से इसकी तामीर का काम पाया तकमील तक पहुँचा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को दीन का मरकज़ बनाए। मस्जिद की ज़रूरत थी यहाँ पर तलबा के लिए और बाहर से लोगों को जाने के लिए, जिसके लिए अलखिदमत फाउंडेशन को दरख्वास्त की गई कि वो अलखिदमत फाउंडेशन यहाँ पर एक मस्जिद तामीर करे। फाटक से लेके और खटियान तक इस रोड पे कोई मस्जिद भी नहीं थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से और अलखिदमत फाउंडेशन के तआवुन से ज़ियाउल हक चौहान की मदद से ये मस्जिद कायम हुई। उन्होंने कहा कि मस्जिद जदीद इस्लाम का मरकज है, आज मस्जिद का तकद्दस खत्म होता जा रहा है, मसाजिद अल्लाह ताला का दीन का मरकज है। उन्होंने कहा कि साबका अदवार में तमाम फैसले मसाजिद में होते थे, मगर आज मसाजिद को आबाद न करने की वजह मुसलमान मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। उन्होंने कहा कि मसाजिद अल्लाह ताला का घर है, इसे आबाद करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हमने मसाजिद को तकसीम कर दिया है, मुख्तलिफ फिरकों की मसाजिद बना दिया गया। मसाजिद बंदों का जोड़ने का मरकज है, तफरी करने का मरकज नहीं। तमाम फैसले मसाजिद में होने चाहिए, जिससे खैर व बरकत होगी। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनेद। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी और मॉनिटरिंग बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें लाहौर के लिए वाटर मीटर्स की खरीदारी, तंसीब और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल बर्ड्स का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज से। जी शहबाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड मॉनिटरिंग बोर्ड का नौवां इजलास में मुनक़िद हुआ, जिसमें लाहौर के लिए वाटर मीटर्स की खरीदारी, तंसीब और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल और फाइनेंस बोर्ड्स का जायजा लिया गया। लाहौर के लिए वाटर मीटर्स की खरीदारी, तंसीब और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल
और फाइनेंशियल बिल्ड की असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स के हवाले से तमाम क़वाइद वज़ाइद और कानूनी पहलू को मद्देनजर रखने की हदायत की गई। इनका मजीद कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी इस जमीन में क़वाइद वज़ाइद के तहत इकदामात करे और जरूरी अमवार फिलफोर तय किए जाए। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड के 7वें और 8वें इजलास के फैसलों की तौसीह की गई। इजलास में सूबाई वज़रा हाशिम जवां बख्श, असद खोकर, अरकीन पंजाब असेंबली मियां शफी, मोहम्मद खदीजा चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन TND, सेक्रेटरी हाउसिंग पर्सनल सेक्रेटरी, वज़ीर-ए-आला साबका सदर सियालकोट चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और मुतलका अकाम ने शिरकत की। जी शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कनाडा में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें थरी मीरवाह की सियासी समाजी तंजीमों के अरकान, सहाफी और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात मोहम्मद यासीन जनौरी बलोच की इस रिपोर्ट में देखिए। जी बिल्कुल, खरड़ा में तालीम के हवाले से ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फोरम ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक तालीमी सेमिनार मुनक्किद किया गया है, जिसमें ठरमीरवा के सियासी समाजी तंजीमों के अरकान और सहाफ़ी सिविल सोसाइटी की जानिब से बड़े तादाद में शिरकत की। आओ तो मज़ीद जानते हैं ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फोरम ऑफ पाकिस्तान के अहदेदार से ऐसी क्या क्या कहना है तालीम के हवाले से। आज तालीम के हवाले से ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फोरम पाकिस्तान का ये 27वां जो है तालीमी सेमिनार है थरी मीरवा में मुनक्किद किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फोरम का नारा है, तालीम हमारी जिंदगी और बच्चे हमारा मुस्तकबिल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम थरी मीरवा में मौजूद हैं, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम की जानिब से यहाँ पे तालीमी सेमिनार किया गया है, जिसमें बच्चों को में तालीमी शऊर को बेदार। ह्यूमन राइट्स की तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह की तारीफ भी है। हम चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम होते रहें, क्योंकि हमारे सिंध में जो तालीम की इस वक्त पोजिशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। तालीम सबके लिए ज़रूरी है, तालीम सबके लिए अहम है। जैसे कि आज हमारा HRPF की तरफ से ये सेमिनार प्रोग्राम हुआ है, इसमें बच्चों को जो है अवेयरनेस देने के लिए हवाले से हमने प्रोग्राम अरेंज किया है, और ये प्रोग्राम अरेंज करने का मकसद ये है तालीम को वो जो है आगे शागिर्दन के हिते मधु कयो वियो आहे, ऐं स्पेशली ॿारनि जेको आहे सो तालीम जी अहमियत ऐं उनखे उजागर करण जे लाइ जेको आहे सो तकरीरूं पेश कयूं आहिनि, ऐं हिते अहम शख़्सियतूं। 10 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवानों के वर्सा इंसाफ के हुसूल के लिए दरबदर मकतूल के लवाहिकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बहरीन पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल की, जिसके बाद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोई कानूनी कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। तफसीलात पर सवाद से मुअत्तर अली की इस रिपोर्ट में लिखिए। बहरीन के इलाका कुजागड़े साताल के रिहायशी मुसम्मा जाहिद हुसैन, ताजा खान, नेमत खान, फजल वाहिद और अफजल खान ने मदीन प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज से 10 महीने पहले मेरे भाई को शबीर ने फ़ोन करके बाहर बुलाया और सुबह मेरे भाई की लाश शाहराए आम पर मिली। बहरीन पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मदीन हस्पताल भेज दिया और हमको बताया कि 3-4 घंटे के बाद हम आपको हकायक से आगाह करेंगे, मगर 2 हफ्ते तक किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और हमको कहा जाता कि सिस्टम ख़राब है और CDR नहीं मिल रहा, जिस पर हमने पुलिस को मीडिया में जाने की धमकी दी। तो SHO इस्लाम उल हक हमारे घर आए और मजीद 2 दिन की मोहलत मांगी। 2 दिन बाद SHO ने हमको थाने बुलाया और बताया कि हमारा मुलजिम शबीर है और तफ्तीश के लिए शबीर को गिरफ्तार कर लिया। फिर चंद दिन बाद पुलिस ने बताया कि शबीर ने मजीद 2 मुलजिमान नजीब और अर्जमंद के नाम बताए हैं। तफ्तीशी अफसर सोहराब ने हमको बताया कि शबीर ने इकरारी जुर्म कर लिया है, लिहाजा हम अदालत में बयान दे कि हमारे भाई को शबीर ने कत्ल किया है, जिस पर हमने बयान दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि पुलिस शबीर को सिर्फ CDR के बिना पर मुजरिम जाहिर कर रही है, मगर आईमी लोकेशन, जियो प्रासिक रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स कुछ भी नहीं है, जिस पर हमको तशवीश है। अहकाम बाला गैर जानबदार इंक्वायरी टीम मुकर्रर करे। हमको बहरीन पुलिस पर एतमाद नहीं है,
शबीर को इसके वालिद ने जमानत पर रिहा किया है। अगर उसको कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार इसके वालिद और बहरीन पुलिस होगी। मोहम्मद रुख करेंगे चिश्तियां शरीफ का, जहां तहरीक मिनहाजुल कुरान के जरिए अहतमाम शुरू होने वाला 10 रोजा डिप्लोमा इन कुरान के अख्तामी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद शहरियों को इस्लाम के हवाले से आगाह करना था। इस मौके पर इंटरनेशनल स्कॉलर्स महमूद मसूद कादरी और अलामा मोहम्मद सरफराज कादरी ने तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक मुनक़द होने वाले कोर्स में 5 मुख्तलिफ उलूम की तदरीस की गई। इल्म तजवीद वल कुरान, तर्जमतुल कुरान, अरबी ग्रामर, फन खिताबत, कम्युनिकेशन स्किल्स और शख्सियत साजिश जैसे अहम मौजूदात पर लेक्चर्स दिए गए। निजी स्कूल में इख्तामी तकरीब में शहरियों समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले मर्दों ख्वातीन ने कसी तादाद में शिरकत की। शहरियों का कहना था कि हमने इस कोर्स से बहुत कुछ सीखा है। शहरियों ने तहरीक मिनहाजुल कुरान के इस इकदाम को खूब सराहा और शुक्रिया भी अदा किया। आपको बताएं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में बदनवानी इदारों की फहरिस्त में पुलिस पहले नंबर पर आ गई, जबकि अदलिया का दूसरा नंबर है। अवाम के एक बड़ी अक्सरियत हुकूमत के खुद एहतसाबी के मामले पर मुतमईन नहीं। इस हवाले से तफसीलात शेख जाफर की इस रिपोर्ट में लिखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में बदनवान इदारों में पुलिस सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में बदनवान अदारों में अदलिया दूसरे, टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर सेक्टर तीसरे नंबर पर, इसी तरह सेहत चौथे, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन पांचवें, लोकल गवर्नमेंट करप्शन में छठे नंबर पर है, जबकि तलीम सातवें, टेक्नीशियन आठवें और एनजीओ अनवानी में नौवें नंबर पर हैं। सर्वे के मुताबिक 51.9% लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में कमजोर एहतसाब बदनवानी की बड़ी वजह है। 29.3% लोगों की राय के मुताबिक करप्शन की वजह ताकतवर लोगों की लालच है, जबकि 18.8% लोगों का ख्याल है कि कम तनख्वाह बदअनवानी की बड़ी वजह है। इसी तरह 85.6% शहरियों ने वफाकी हुकूमत के खुद तसाबी को गैर तसली बख्श करार दिया है। हुकूमत को इस दादो शुमार के बाद करप्शन की रोकथाम के लिए बनने वाले अदारों को मजीद। यहाँ पर आपको बताएं, सूबाई वज़ीरे सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के अमीर अस्पताल का अचानक दौरा। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मासूद गोंदर और एमएस म्यू अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार भी डॉक्टर यास्मीन राशिद के हमराह मौजूद थे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाफिज इरफान से। जी हाफिज इरफान, दौरा की क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीरे सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने म्यू अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड का दौरा करके मरीजों की इयादत की और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। वाइस चांसलर एमएस म्यू अस्पताल ने वज़ीरे सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात की तफसीलात से आगाह किया। मरीजों ने वज़ीरे सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को तिबी सहूलियात बारे इजहार इत्मीनान किया। सूबाई वज़ीरे सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि म्यू अस्पताल लाहौर में मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही है। म्यू अस्पताल लाहौर में मरीजों का बेहतर ख्याल करने में वाइस चांसलर एमएस को शाबाश देती हूँ। म्यू अस्पताल लाहौर में सफाई के इंतजाम भी तसली बख्श हैं। पंजाब की आवाम के लिए 11 बड़े नए सरकारी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब के किसी भी सरकारी अस्पताल में मरीजों के इलाज मुआवजा में कोताही बर्दाश्त नहीं की गई। जी हाफिज इरफान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हेडक्वार्टर मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कराची में सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रियर एडमिरल मिर्जा फवाद अमीन बेग, हलाल इम्तियाज मिलिट्री ने डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की कमान संभाली। तफसीलात कराची में अयाज वारियों की इस रिपोर्ट में लिखी है। 8 दिसंबर 2021 को हेडक्वार्टर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कराची में एक सादा मगर पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें रियर एडमिरल मिर्जा फवाद अमीन बेग, हलाल इम्तियाज मिलिट्री ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की कमान संभाली। रियर एडमिरल मिर्जा फवाद अमीन बेग, हलाल इम्तियाज मिलिट्री ने 1986 में पाक बेरिया में शमूलियत अख्तियार की और बरतानिया रॉयल नेवल कॉलेज डॉट माउथ में इब्तदाई तरबियत हासिल की और 1 जुलाई 1990 को पाक बेरिया के ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें एजाजी शमशेर से नवाजा गया। उन्होंने PNS बहादुर से लॉन्ग नेविगेशन एंड डायरेक्शन कोर्स, UK से इंटरनेशनल प्रिंसिपल वारफेयर ऑफिसर कोर्स और मलेशिया से आर्म्ड फोर्सेस स्टाफ की कोर्स किया।
उसके अलावा वो पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ माली मलाइशा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारग अल-तहसील हैं। उनके मुख्तलिफ कमांड स्टाफ और तदरीसी तकरीरों में नेवल अताशी बेचिंग चिंग कमांड ऑफिसर PNS जुल्फकार डायरेक्टर नेवल ऑपरेशंस प्रिंसिपल सिक्योरिटी टू चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ PSC कमांड पाकिस्तान नेवल एकेडमी कमांडर 18वीं डिस्ट्रायर स्क्वाड्रन असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग शामिल हैं। कैमरा टीम के साथ अयाज। यहां पर आपको अपडेट करते चलें, डिप्टी कमिश्नर लाहौर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा भी लिया गया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिर खान से। जी ताहिर खान, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया है। आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने शादमान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई के जो इंतजाम है उसका जायजा लिया है। इस मौके पर LWMC का अमला भी DC साहब के साथ मौजूद था। उनका ये कहना था कि शादमान के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर बनाया जाए और गंदे नाले पे जितनी गंदगी है उसको खत्म करके वहाँ पे ग्रीन बेल्ट कायम की जाए। जी बहुत शुक्रिया ताहिर खान तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 32वें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के वफ्द ने आलमी दर्जा के अदबी और सकाफती इदारा लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा का दौरा किया। वफ्द में शामिल अराकीन का अलहमरा में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वफ्द को अलहमरा की तारीख, मकासद, कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर अलहमरा जुल्फिकार अली जुल्फी ने इस हवाले से अपने तासुरात में कहा कि अलहमरा का दौरा वफ्द में शामिल अफसरान को अपनी खिदमात की अंजामदही में मुआवन साबित होगा। अलहमरा पाकिस्तान के आर्ट्स एंड क्राफ्ट, तहजीब और सकाफत की नशोनुमा और तरवीज में मुनफरद मकाम रखता है। ब्रीफिंग में डिप्टी डायरेक्टर एडमिन आफ्ताब अहमद अंसारी, डिप्टी डायरेक्टर लाइब्रेरी मोहम्मद आरिफ, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस सुभा सादिक, असिस्टेंट डायरेक्टर खुरम नवील, मना हारून, समरीन बुखारी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वफ्द ने अलहमरा आर्ट्स गैलरी, काउंसिल स्टूडियो, हॉल्स, आर्काइव और दीगर शोबे देखे। दौरा को बेहद मुआवन करार दिया गया। वफ्द में पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों में आला खिदमात सर अंजाम देने वाले अफसरान शामिल थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि चित्राल से ग्वादर तक PTI की सुनामी आवाम के लिए आजमाइश बन चुकी है, ग्वादर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने कहा कि ग्वादर मुजाहरीन के मुतालबात आईनी और कानूनी है, फिलफौर अमल दरामद किया जाए। जमात इस्लामी ग्वादर के हक दो का तहरीक मुकम्मल तायद करते हैं। गुज़श्ता 3.25 साल में हर शोबा में बेड गवर्नेंस की तारीख रकम हुई। लाकानूनियत, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी PTI के आवाम के लिए तहाइफ है। सिराजुल हक ने कहा कि जरई जमीन होने के बावजूद बंजर पड़ी है, जबकि किसान और मजदूर कसम पुसरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, सर्दियों के आगाज के साथ ही मीठे मुरब्बों में मिलावट करने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। शालिमा टाउन में वाके मुरब्बा यूनिट पर छापा मारकर 400 किलो नाकिस मुरब्बा जात बरामद कर लिए गए। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान से। जी सलमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी शालिमा टाउन में वाके मुरब्बा यूनिट पर छापा मारकर 400 किलो नाकिस मुरब्बा जात बरामद कर लिए। गले सड़े फलों और सब्जियों को नाकिस खुले मसाला जार लगाकर नाकिस मुरब्बा तैयार किया जा रहा था। मुरब्बा जात की तैयारी में मुस्लिमी फ्लेवर और केमिकल का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना था कि खुराक की तैयारी में मुजरे सेहत खुले रंगों और केमिकल का इस्तेमाल मुताबिक बीमारियों का बाइस बनता है। जी जी सलमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसीलात से आगाह किया। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।